नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। 22 जनवरी को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। श्रद्धालु अलग अलग तरीके से राम नगरी पहुंचकर अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसी क्रम में एक शख्स कड़ाके की ठंड में साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। वो साइकिल से 100 या 200 किलोमीटर की यात्रा नहीं बल्कि पूरे 1100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस शख्स का नाम मनोज कुमार सिंह है। बता दें कि मनोज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले तक अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या जाने के लिए वो वापस लौट आए हैं। सबसे पहले मनोज साइकिल से बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और फिर वहां से अयोध्या के लिए निकलेंगे। इस दौरान वो करीब 1100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। वहीं 20 से 21 तारीख के बीच मनोज रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बता दें कि अभी औरैया जिले में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी साइकिल यात्रा का स्वागत किया है। मनोज ने अपनी साइकिल पर तिरंगा और राम मंदिर का झंडा लगा रखा है। हनुमान जी का बड़ा सा झंडा भी उन्होंने साइकिल के ऊपर बांध रखा है। जब वो साइकिल से चलते हैं तो ये सभी झंडे फहराते हैं। वहीं वो अकेले ही इस यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा को लेकर मनोज बेहद खुश हैं। बीते दिनों अहमदाबाद में पैदल अयोध्या जा रहे एक राम भक्त का बांदा पहुंचने पर भव्य स्वागत भी हुआ था। वहीं उसका नाम सुरेश है।